नमस्कार, मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। जिस पथ पे खड़े हैं, जिस रास्ते पे खड़े हैं, ये रास्ता बेहद खास है क्योंकि बिहार की राजनीति की गलियारे की जो भी पटकथा लिखी जाती है इसी रास्ते से होकर गुजरती है। यानी कि हम वीरचंद पटेल पथ पे मौजूद हैं और यहीं पे देश के बिहार की जितनी भी प्रमुख पार्टियां हैं सबका यहीं पे दफ्तर है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे तो बीजेपी का दफ्तर है और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र देश का लोकसभा चुनाव का नतीजा आ रहा है। एनडीए ने बढ़त बना रखी है और हम इस समय लोगों के इस जहां मौजूद हैं यहां से लोगों से थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे कि और दिनों की अपेक्षा आज कितना खास दिन है और क्या कुछ ज़्यादा चहलकदमी देखने को मिल रही है और क्या कुछ लोगों का इरादा है इस मतगणना को लेकर और नतीजों को लेकर, क्या कुछ लोग कह रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या कुछ नया रुझान है। एक चाय की दुकान है, बगल में ही बीजेपी कार्यालय है और यहीं पे और दिनों से कितना खास है, आज कुछ ज़्यादा भीड़ है क्या? हाँ, तो आज सरकार बनने वाला है तो भीड़ तो रहेगा। अच्छा, किसकी सरकार बन रही है? बीजेपी। बीजेपी के दफ्तर के पास खड़े इसलिए तो नहीं? ना, ऐसा थोड़ा भैया है, आप लोग देख नहीं रहे हैं, रुझान के अनुसार जो है पता चल जाता है ना। और लोग वो और दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा भीड़ है क्या? ठीक है, मेरा बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया है। कितना है भीड़, कितना है और दिनों की अपेक्षा, आज ज्यादा भीड़ है आपकी दुकान पे? ना ना, यहाँ भीड़ रहा करता है, आज भी भीड़ है, पहले भी रहता है। आज कुछ ज्यादा भीड़ है? अच्छा, तो क्या कुछ नया मिठाई उठाई बना रहे हैं कि क्या कुछ है? दिलीप बाबू मिठाई बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं दिलीप बाबू? चलेगा मिठाई, चलेगा। ना अभी तो ना बना रहे हैं, अभी तो नाश्ता है, दही चूड़ा है, पूरी सब्जी है। दही चूड़ा है जो बिहार का कहा जाए तो सुबह का नाश्ता बेहद खास है और लोग इसको हर कोई पसंद भी करता है और कुछ लोग भी हैं, थोड़ा सा लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ देख रहे हैं दोस्त भैया? मैं मीडिया। अच्छा, चलिए, क्या कुछ देख रहे हैं सर? कैसा कुछ रुझान है और क्या कुछ नतीजे आने वाले हैं? इतना चौंकाने वाला नतीजा रहेगा? चौंकाने वाला नहीं है, जो एग्जिट पोल आप लोगों के द्वारा दिया गया है वो सही साबित हो रहा है। भले एनडी के जो गठबंधन है वो आप लोगों को नकार दे, लेकिन हम लोग तो आपके जो दिखाए हैं उस पर पूरा ही होगी, उससे ज़्यादा ही होगा। आपका जो रुझान, आपका रुझान हम लोग बता रहे हैं, हम लोग अपना नहीं बता रहे हैं। अभी बताइए, हमारा तो मेहनत तो आपकी है ना? मेहनत तो पूरे पार्टी का 6 महीना से या साल भर से चल ही रहा था, और लेकिन ये जो रुझान है वो जनता के द्वारा है। हर एक जनता, हम लोग तो मान लीजिए कार्यकर्ता हैं, तो हम लोग आपको लग रहा होगा कि बोल रहे हैं। यहाँ पे हाईकोर्ट है बगल में, आप कहीं भी जाइए, आपको नहीं तो 400 से पार एक, 401-2 जो आप लोगों का दिखाया हुआ वो सही सटीक एवं वास्तविकता है। जो हम लोग का जो रुझान जो दिखाए थे एग्जिट पोल, उनको लेके आज सर सुबह सुबह पूरी कचौड़ी स्पेशल आ जाए हैं कि या मतलब कुछ हम यही आते हैं इलेक्शन में, पूरा आज तक है ड्यूटी मेरा यहाँ। अच्छा। सवेरे आना था, अब आए तो लाइन कटा हुआ है, तो क्या करें, यहाँ बैठे हुए बैठे बैठे के नाश्ता करना, नाश्ता कर लिया जाए। क्या देख रहे हैं रुझान में इंडिया बढ़ रही है, बढ़त बनाई रखी है? हाँ हाँ, आपका रहेगा कि बदलेगा? नहीं 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 बदलेगा, आपका रुझान हो सकता है बढ़ेगा ही और बदलेगा नहीं, मगर आपका जानते हैं आपका रुझान बिल्कुल एक्यूरेट है क्योंकि हम लोग जमीन पर घूमते हैं, समझ गए, इसलिए पता है जो आपका रुझान बिल्कुल सही है। तो जी हाँ, एक लोगों में है कि जो आज तक का जो एग्जिट पोल हुआ था उसको लेकर लोगों में है कि जो एग्जिट पोल दिखाया गया है इंडिया टुडे ग्रुप का वो काफ़ी सटीक बैठ रहा है और वैसा ही लोगों का भी कहना है कि जो एग्जिट पोल है वो सही है, इसी तरह के नतीजे आने वाले, ये लोगों का कहना है। बगल में तमाम लोग भी हैं और एक जो बातचीत हो रही है, और सबसे बड़ी बात है कि आप जिस रास्ते पर जब चलिएगा इस वीरचंद पटेल पथ पे, तो आपको कई कपड़े के दुकान भी दिख जाया करेंगे जो तुरंत कपड़ा सिलाया जाता है और लोगों नेताजी तुरंत पहन लेते हैं, तो वैसे ही एक दुकान पे हम भी हैं। देखिए, कपड़े के सिलाई हो रही है, डिमांड बढ़ गया है कि कपड़ों का इस बार अभी चूँकि आ रहा है, चालू हो चुका है, नतीजे धीरे धीरे आने शुरू हो जाएंगे, अभी एनडीए बढ़त बना रखी, तो कपड़ों के कितना डिमांड बन रहा है अभी? कपड़ा का तो डिमांड ठीक ठाक ही हो गया है सर, और बढ़ेगा ही, और आज तो फूल खिलने वाला है और अच्छा ही है, तो शुभ दिन है। चूंकि पूरा जो चला चुनाव इसमें कपड़ा सिलाने का संख्या बढ़ा कि मतलब और दिनों के अपेक्षा? नहीं नहीं, बढ़ा है सर, बढ़ा है। कितना बढ़ गया? करीब करीब 10% से ज्यादा ही बढ़ा है सर। तो आज कुछ डिमांड ज्यादा बना है, बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है सर। आज कितना लोगों का डिमांड आया? अभी तो 1-2 आदमी का डिमांड आया है सर, बाकी पूरा दिन तो बाकी ही है।
पूरा दिन बाकी है, मतलब लोग आते रहेंगे एक नया नया कपड़ा सिलवा के और यहाँ से पहना के भेज देते हैं सर। तो ये वीरचंद पथ पटेल जो मार्ग है यहाँ पे है और ये है लोगों को रिझान और ये है जानकारी। और भी तमाम चीजों को लेकर हम लगातार आपसे अपडेट होते रहेंगे, देते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।